Well, we have with us a couple that is much in demand and much in news as well. We are talking about Nawazuddin Siddiqui and Bidita Bag. Their movie BABUMOSHAI BANDOOKBAAZ is under a lot of microscopic dissection right now. And we will know that at this time, what is their mental state? Because there is a lot happening. Picture is related. Thank you. And Nawazuddin, what is the latest as far as the censorship is concerned? I think बहुत ही मुबारक हो आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों ने इफ्टिडा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो सपोर्ट आप लोगों को मिला है दैट इज वंडरफुल आपने भी बहुत अच्छा बोला था क्या कहना चाहेंगे लेटेस्ट अभी क्या है रिपोर्ट लेटेस्ट तो यही है कि अभी हैं सेंसर के में हाँ, आप किस स्टेज पर हैं आप लोग अभी देखो वो चल रही है शायद 2-4 दिन के बाद पता चले हमें भी एग्जैक्टली क्या पोजिशन है जी. और अभी तक तो वही है मानसिक स्थिति हमारी ओके एंड आपका क्या कहना है बिकॉज जिस तरीके से आपके प्रोड्यूसर को कहा गया मिस श्रॉफ को इस तरीके से कहा गया कि दैट आप तो पैंट शर्ट आपने पहनी हुई है तो आप तो औरत ही नहीं है दैट टू कमिंग फ्रॉम अ लेडी डू यू फाइंड इट शॉकिंग दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन हैपन फॉर टू एनीवन इन द फर्स्ट प्लेस इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल अटैक अ लेडी शुड नेवर स्पीक लाइक दिस टू अनदर लेडी अगर लड़कियाँ ही लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मर्दों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इट्स रियली वेरी बैड पीपल शुड नॉट बी जज्ड ऑन वॉट ही और शी इज़ वेयरिंग और वॉट फिल्म ही और शी इज़ प्रोड्यूसिंग दैट्स रियली नॉट राइट और 48 कट्स इतनी बारीकी से तो लोग प्याज भी नहीं कटते बहुत अच्छा आपने हाँ एंड अ बिल्डिंग इज रेडी ठीक है एंड suddenly you are asking to take out couple of pillars out of a building what will happen that building will collapse right ye to charon pillars mere khayal se mang rahe hain ki agar 48 cuts hain to sare charon pillars humko de do jaise wo hai na thakur ka dialogue hai ki that haath mujhe de do thakur yaar mere daba haath nahi honge to phir dhoenge kaise okay now aapne bhi ye kaha ki that ye ek basically koshish kahin na kahin hai ki that लोगों के फिल्म मेकर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाए कि यार कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें कि यार ये करेंगे तो पता नहीं कहीं उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए आपने इसके बारे में आपने बोला था तो आपको लगता है कि दैट इंक्रीजिंगली जो एक क्रिएटिव जो एक फ्रीडम है उसके ऊपर कॉन्स्टेंट अटैक्स हो रहे हैं मुझे लगता है कि वो उनका ये है कि सर्टेन टाइप की फिल्में बनाओ और ज़रा सा भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना ऑथेंटिक फिल्म बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे ही आप ऑथेंटिक और रियलिस्टिक फिल्म बनाने पर आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ का लोकल जो फ्लेवर वो भी एड ऑन करना पड़ेगा उसमें तो और जितना लोकल होगी फिल्म उतना ही ग्लोबल होती है इसलिए हमारी फिल्मों का आउट इंटरनेशनली आउटकम 0% है बिकॉज हम उस तरह के टॉपिक चुनना नहीं चाहते जिस उस क्योंकि उससे पहले ही हमें डर लगने लगता है कि यार ये सेंसर में पास नहीं होगी इसलिए हमारी फिल्म एक सर्टन टाइप में बंद के रह गई अगर हम बाहर भी जाती हैं हमारी फिल्में तो वो भी NRI ही देखते हैं हम अभी तक जो ऑडियंस है वो क्रैक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें जबकि हमारे पास इश्यूज़ बहुत हैं हमारे पास टॉपिक बहुत हैं हमारे पास अनसंग हीरो उनकी स्टोरीज इतनी कमाल की हैं हम उनके ऊपर कभी फिल्में रियलिस्टिक फिल्म नहीं बना सकते सच्चाई वाली फिल्म बना ही नहीं सकते हम फेक फिल्में बनाते रहेंगे अदरवाइज़ अगर ये सेंसर का इसी तरीके क्योंकि सेंसर हमें मजबूर कर रहा है कि आप कंप्रोमाइजिंग वाली फिल्में बनाओ Right. और मैं तो ये कह रही हूँ कि हर फिल्म स्कूल में फिल्म इंस्टीट्यूट में एडिटिंग डायरेक्शन या एक्टिंग कोर्स में एक सेंसर बोर्ड के ऊपर एक अलग से चैप्टर रख दिया जाए ताकि लोग पहले से ही फिल्म स्कूल से निकले कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है भाई मुझे तो लगता है कि हाँ किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखनी है किस तरीके की एक्टिंग करनी है right. मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक सेंसर बोर्ड है हर इंसान पर वो फिल्टर लगा है लेट दैट पर्सन डिसाइड ना क्या देखना है क्या नहीं देखना है जैसे आई थिंक बहुत इन्होंने अच्छी बात कही कि दैट एक सर्टन तरीके की फिल्में बने और जिसमें एक सुपरफिशियलिटी कहना चाह रहे हैं वो सामने आए जैसे आप बंगाल से हैं ऑब्वियसली मतलब आई थिंक बंगाली कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमेशा से रहा है मतलब आप एक जो आर्ट को लेके बहुत एक इज्जत है एक बहुत ही रिस्पेक्ट है जो कि बहुत से तबकों में हमारे वहाँ शायद मौजूद नहीं है जैसे अगर पथेर पंचली जो है अगर सत्यजीत रे को इतना उन्होंने सोचा होता कि अगर उन पर ये कॉमेंट हो कि साहब आप हिंदुस्तान की आप गरीबी को बेच रहे हैं वेस्ट में तो पथेर पांचाली नहीं बनती तो ये जो मानसिकता है जो एग्जैक्टली जो मानसिकता अगर है अगर आप इस तरीके से सोचने लगे कि यार आप मेरे कल्चर को आप गलत तरीके से दिखा रहे हो मेरे कल्चर तो कुछ और है विच इज रादर वियर्ड क्या कहने चाहेंगे आप इसके बारे में ये जो अचानक लोगों में एक टेंडेंसी बनी है मोरल पुलिस बनने की या लोगों पे कंट्रोल पाने की ये बहुत बुरी चीज़ है आजकल लोग क्या खाएंगे लोग क्या पहनेंगे लोग क्या बोलेंगे हर चीज़ पे लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस डाला जा रहा है
क्यों ना लोग अपने आप को देखें, सामने वाले को कंट्रोल करने की जगह अपने आप को कंट्रोल करें, वो सबसे अच्छी बात होगी। लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दें, हम क्यों लोगों के लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों इंटॉलरेंट बनती जा रही है, चाहे सेंसर बोर्ड हो या हमारी सोसाइटी हो, ये एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम है जो नहीं होना चाहिए। राइट, डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं एक जो छवि बन रही है हिंदुस्तान की, वो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पॉजिटिव नहीं, विच दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आप तो एक कल्चर को बचाने के लिए आपने एक कल्चर बनाने की ठेका क्यों लेने की जरूरत है, लोगों को अपने तरीके से जीने दो। राइट, एंड हिंदुस्तान का जो सभ्यता जिसको कहते हैं कल्चर है, हजारों साल पुराना है, तो एकदम से आपको मतलब उसको आप, और मतलब ये सिर्फ पुराना नहीं है, मतलब मजबूत रहा है, तो आप एकदम से सडनली उसको, एंड पीपल टॉक अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, इतने अलग कल्चर के लोग हैं, सबके लैंग्वेज अलग हैं, लोगों के पहनावा अलग है, लोगों का धर्म अलग है, सब कुछ अलग है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट अलगनेस, जो डाइवर्सिटी जो है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, एंड नवाज भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत हम लोग संजीदा किस्म की बातें हम लोग कर चुके हैं, जैसे अभी बेदिता हमारे साथ बैठी हुई हैं यहाँ पर, अभी वहाँ पर भी बैठी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट है इनकी, इवन जो कान में जिस तरीके से लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और खूबसूरत है। तो कैसा आपका तजुर्बा रहा, कंसिडरिंग दैट शी इज़ एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव वुमन एंड अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी एज वेल जो उनकी है, मतलब शख्सियत से भी जो एक जो खूबसूरती निकल के आती है सामने, और वैसे तो नाक नक्शा तो माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा है जी, बहुत अच्छा है, ये हंसी दिल से थी एकदम जी बताएं। ये एक्चुअली फर्स्ट डे, सेकंड डे ही हमारा वो स्टीमी सीन हुए थे, जब वो जो जिन पे कैंचियाँ चलने लगी, तो बट अच्छी बात इनकी ये थी कि इन्होंने बिल्कुल एक सरेंडर कर दिया था अपने आप को, और उनका जो फेथ था, ट्रस्ट था हमारे ऊपर, तो उसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी कि नहीं, उसके ट्रस्ट को मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, तो जो जिस तरीके से जो डिमांड थी डायरेक्टर की उसको बहुत ही इजीली किया, और मुझे तो खैर अच्छा लग रहा था कि भाई कि इस तरह की सीन बहुत दिनों के बाद मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी इतने दिनों के बाद प्यार मिला और उसी पे कैंचियाँ चल गई फिर बाद में और आप सब ने नवाज जी की एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं, पर कभी नवाज जी के आँखों पर ध्यान दिया है? मैंने सबसे करीब से रिसेंटली क्या होता है ना इनकी आंखों को सबसे करीब से देखा है, इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है, देखिए क्या होता है ना, कभी किसी एक्टर को जब भी बोलते हैं ना कि आंखें इसकी बड़ी अच्छी, तो और बड़ी बड़ी करने लगता है अच्छा नहीं बेदिता जी, इनफैक्ट मुझसे मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप कि दैट प्लीज ये एक सवाल जरूर पूछिएगा बेदिता से, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हाउ गुड अ किसर is Nawazuddin Siddiqui? Oh, he is very good. He is very good. Very good. 1 out of 10, how much? Meri wife bhi degegi interview. No, we'll make sure that she does not. उनके वाइफ से पूछना चाहिए, बट ऑन स्क्रीन जो किस किया, देखिए रियल लाइफ किस और ऑन स्क्रीन किस बहुत अलग है, पर रियल लाइफ में आई डोंट नो, क्योंकि हमने कैमरा के एंगल के हिसाब से और स्क्रीन मतलब सीन के हिसाब से ही किस किया है, उनमें तो मैं 10 में 10 देती हूँ, रियल लाइफ आई डोंट नो। 10 out of 10, क्या बात है, क्या बात है नवाज़ है। ओके, सो दैट इज आई थिंक अ वंडरफुल आई थिंक एक्सेप्टेंस इन द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ मैनर। व्हाट आर द सीन्स दैट दे आर हैविंग ऑब्जेक्शंस टू, अगर कुछ आप बताना चाहेंगे किस तरीके के सीन्स हैं दैट दे आर ऑब्जेक्टिंग? ऑब्जेक्शन वही जैसे एक वो किसिंग पे है, वो जब उसको बोला गया कि भाई वो 20 सेकंड का होना चाहिए या 20% होना चाहिए, 80% कट कर दो, और जो कुछ गाली हैं जो एक लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है, कुछ गाली भी नहीं है उसमें, कुछ ऐसे इनोसेंट नहीं है, कुछ तो जो सारे गाली भी नहीं है, लेकिन वो एक लैंग्वेज के तौर पे है। वो हमारे यहाँ पे या इस वर्ल्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वर्ल्ड है, जो माहौल इसमें दिखा रहे हैं, उसमें एक लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं वो। इवन हमारे गाँव में भी जब बाप जो है ना बेटों को बोलता है इधर आप खाना खा, तो उसका ध्यान गाली पर नहीं जाता, अरे आप बोल सकते हैं, हमारे बोल दीजिए हाँ इधर बहनचो खाना खा हाँ। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे पापा ने फादर ने आज मुझे प्यार से बोला खाना खाने के लिए। हाँ सही बात, गाली पे ध्यान नहीं जाता, वो एक लैंग्वेज है वो एक्चुअली। राइट, जैसे माय फादर यूज्ड टू से दैट द चा वाली गाली, ये गाली नहीं होती है, एग्जैक्टली इट मींस एब्सर्ड, क्या बात है, तो गाली एक्चुअली, अरे बहनचो अच्छा लग रहा है यार तू तो यार, मेरे पापा बोलते थे शुअर है बच्चा साला यदि क्या है खा भी आए, एग्जैक्टली He did not mean it. अच्छा उससे क्या है ना कि कैरेक्टर की, चूंकि अब
बाबू मोशा बंदूकबाज ही तो बोलेगा ना, आइए जनाब सामने खड़े मैं आपको गोली मारूंगा। सही बात है, ये थोड़े ना बोलेगा। सही बात है, वो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू बी। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मैन इज दैट ही बिकम्स अ कैरेक्टर। सो रैपिड फायर विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मोमेंट अब तक का? गैंग्स ऑफ वासीपुर, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था अनुराग का जी, दैट वॉज द डे, मैं उसको कभी भूल नहीं पाता। ग्रेट। थ्री एक्टिंग टिप्स फॉर अपकमिंग एक्टर्स, अगर कुछ आप तीन एक्टिंग टिप्स देना चाहें अपकमिंग एक्टर्स के लिए तो आप क्या कहेंगे? मैं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो उसी के हिसाब से बता सकता हूँ। एक तो होप, कभी होप रखें, और लाइक ओरिजिनल ओरिजिनलिटी रखें अपनी। वाह, दैट्स आई थिंक दैट्स वंडरफुल। ओके, कैन यू मिमिक एन एक्टर? किसी आप एक्टर की मिमिक्री आपने कभी करी है? अगर किसी की आप करेंगे तो कौन होगा वो? मैं देव साहब की करता था जब बचपन में, तो उनका बहुत अच्छा। प्लीज अगर आप एक कुछ करके बता सकते हैं। अरे भाई अभी तो नहीं आता, खैर प्लीज यू स्टार्ट द वंडरफुली। हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था आपने। मैं सोच रहा था ऐसे नहीं, इस तरह का कुछ था। क्या बात क्या बात है। कंसिडरिंग कि आप माशाल्लाह से बहुत आप मशहूर हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप मिस करते हैं शोहरत की वजह से? मेरी आदत थी कि मैं बहुत लाइक सबसे ज़्यादा तो वही मिस करता हूँ, लाइक मैं कहीं भी चला जाता था अकेला। लाइक मुझे अकेले रहने की बहुत आदत है, क्योंकि काफ़ी सालों तक मैं अकेला रहा हूँ। और बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे पूरा उसको ले जाना पड़ता है, तो उसमें मेरा जो माइंड था बहुत स्पीडली मैं दौड़ता था आइडियाज़ के बारे में। जब मैं जैसे राजस्थान में चला गया अकेला बाई ट्रेन और पैदल घूम रहा हूँ इस तरह का, तो उससे मुझे आइडियाज़ बहुत आते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो मिस करता हूँ मैं एक्चुअली। क्या बात है क्या बात है। ओके, अपनी ऑटोबायोग्राफी को आप क्या नाम देंगे? किताब तो आपकी वैसे आ रही है अभी, मेमोर आ रही है। मेमोर आ रही है आपकी, तो आप क्या आप ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहेंगे, अपने आप से लिखना चाहेंगे? अभी आई थिंक मेमोर भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक एक टाइम पीरियड तक है वो, एक मेरी बचपन से लेके और बॉम्बे आने तक, गैंग्स ऑफ वासीपुर मिलने तक का है वो मेमोर, उसके आगे नहीं। तो वो है बायोग्राफी, अभी शायद अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। कोई ऐसी फिल्म जो आपने रिसेंटली देखी हो जिससे बहुत ज़्यादा आप मुतासर हुए हों? मैं बर्डमैन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था एक्चुअली। ओके। क्योंकि वो मेरे ही हमारा ही एक एटमॉस्फेयर था ऐसा, जिसमें हम इस तरीके से बिहेव करते थे जब NSD में थे, और वो जो पूरा एरिया था मंडी हाउस का, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेके हॉस्टल और जो प्लेज़ के जो ऑडिटोरियम्स, ये वो सब प्लेज़ से निकलने के बाद एक्टर्स जब आते, तो पूरा वो और किस तरीके से हम फील करते थे, क्या सोचते थे, बहुत ही अब्रप्ट भी, बहुत ही वियर्ड भी, और बहुत एब्स्ट्रैक्शन में चले जाते थे। जी जी जी। तो वो जो पूरा माहौल था वो उसकी वजह से वो फिल्म मुझे बहुत, मैं पसंद करता हूँ। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेक एज वेल एज। ओके, कोई ऐसी चीज़ आपके माजी की जो आप बदलना चाहें? माजी इज पास्ट। पास्ट, हाँ। ओके, बदलना क्या चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैं बदलना। ओके, okay. आपकी एक गर्लफ्रेंड थी बहुत पुरानी, जब आप मेरे गांव में, हाँ, जिन्होंने आपको शायद रिजेक्ट कर दिया था ना। मैं तो रिजेक्शन तो बहुत जगह मिला मुझे। ओके, okay. हाँ, तो आपने मुझसे एक इंटरव्यू में आपने मुझसे बोला था कि दैट आप चाहते हो, उसके बाद आपके आते शायद उनसे, फिर अभी उनके बच्चे अच्छे भी हो चुके हैं। हाँ हाँ, आप उनसे टच में अभी भी हैं शायद? नहीं नहीं नहीं, आप टच में नहीं? अच्छा, अभी टच में नहीं। ओके, कोई ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ में आप, आपका ख्वाब हो काम करने का, इज एनी एक्टर दैट? वैसे आप माशाल्लाह सबके साथ में काम कर चुके हैं। नहीं, अभी तो ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश है नहीं एक फला एक्टर के साथ काम करना है, जिनके साथ ख्वाहिश थी वो हो गई। right. अभी तो ख्वाहिशें हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश ख्वाहिश हर दिन के बाद एक ख्वाहिश आ जाती है, तो हो गया मेरा जितना। और मेरे साथ, इनके साथ था वो भी हो गया। ओके, अगर एक वर्ड में आप रिएक्ट करना चाहें जो आप, जो रेसिस्ट आपके ऊपर जो कमेंट्स कुछ लोग करते हैं, अभी आपने जब ये प्रमोशन भी किए हैं तो आपने दैट डार्क इन जयपुर एंड जिस तरीके से आपने किया भी है, तो अगर एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें उनको, अगर उनको कुछ जवाब देना चाहें तो क्या देंगे आप? किनको? जो आपको रेसिस्ट कमेंट अगर जिन्होंने कभी किया है आपके लिए?
हाँ, तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ, डिमांड में हूँ आजकल मैं, ब्लैक एंड डिमांड, डार्क एंड डिमांड, डार्क एंड डिमांड, रेसिज्म इज नॉट फेयर, रेसिज्म इज नॉट फेयर, वाह क्या बात, डार्क एंड डिमांड एंड रेसिज्म इज नॉट फेयर, वाह वाह वाह, ओके. इफ यू कैन डिस्क्राइब बाबू मोशाय बंदूकबाज, अगर तीन लफ्जों में अगर आप उसको बताना चाहें कि क्या है. वियर्ड, शेमलेस, एंगेजिंग. Weird, shameless, and engaging. That's interesting. That's a very interesting way of looking at it. So after this mind-blowing rapid fire, Bidita ji, ab aapki bari hai, and we have to see that how you just live up to it. Okay, so rapid fire with Bidita Bag now. Your reaction when you got to know that you will be working with Nawazuddin Siddiqui? Excited. Excited. Okay. Your favorite movie of all time? Spring, Summer, Fall, Winter, Spring by Kim Ki Duk. Do you believe in magic? Oh yes. What is the moment of magic in your life? हर रोज छोटा मोटा कुछ ना कुछ मैजिक होते रहता है. वाह. All blessings I get from nature. Okay, your favorite Nawaz moment or dialogue? आपका favorite Nawaz moment? हमारे फिल्म में जो है. बताना चाहेंगे आप? आप बता दीजिए अपने स्टाइल में. कौन सा? पॉपकॉर्न खाए हो कभी? बता दीजिए. हाँ. सुनिए बाबू, खुद बाबू मशाई बंदूकबाज से. Please, Nawaz भाई. पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानते हो काहे? काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है. इसे वो पॉज का खेल है. हाँ, वो पॉज का खेल है, फटरी होती है. That's very very interesting. Okay, a recent film that you saw that blew your mind? Last साल थी, last year, सैराट. हाँ, very fine film. Okay, one thing about your past you would like to change? I don't want to change anything, but if I can go back and जो time मैंने waste किया, अगर मैं फिर से utilize कर पाऊँ, then काफ़ी time save हो जाता है, and I could have been in a better place. Okay, your reaction in one word to your haters? I will win you someday. I will win you someday. Okay, your worst nightmare? कि I'm losing myself, losing my confidence, losing my identity, वो एक डर है. Ah, okay, that's interesting. An actor you have a dream to work with? Any good actor who wants to work with me. Okay. Including Nawazuddin Siddiqui again, I would love to work with him again. Wow, okay. And a director you want to work with? Any good director who wants to work with me. And Kim Ki Duk and Inari too. राइट. देखिए, इंडिया में किसी का नाम ले रही हैं, मतलब कितना डिप्लोमेटिक हूं ना. कितना डिप्लोमेटिक है बताइए. ओके, थ्री सॉन्ग्स ऑलवेज ऑन योर प्लेलिस्ट. बर्फानी, ए सैया एंड घुंघटा. इनफैक्ट नवाज भाई वाज टेलिंग मी दैट यू सिंग वेरी वेल. हां, बर्फानी आपकी आवाज में सुनना चाहिए हमको. मेरी आवाज खराब है. राइट. ए सैया बहुत बढ़िया है. ये सैया अभी फिलहाल अभी ये सैया गाने के प्लीज हालत में हूँ. बर्फानी नहीं गा सकती. ऐसे ही अगर आप प्लीज सुनाना चाहें तो. आंखों जैसा आंख नहीं है, काजल का दिल करता है. आंखों जैसा आंख नहीं है, काजल का दिल करता है. ये सैया चश्मा लगाईला अब ना आई है जवानी. ये सैया चश्मा लगाईला अब ना आई है जवानी. Wow, kya baat hai, fantastic. On that musical note, we bring this interview to an end. It was wonderful talking to both of you and looking forward to BABUMOSHAI BANDOOKBAAZ, and I genuinely hope ki aap logon ke sare jitne bhi mudde hain wo sab solve ho jaye, and we see the film the way it is in an uncensored manner. Hopefully we've seen that people have won in the past as well, and I hope that it happens once again, and all the best wishes. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.